हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। रेलवे ALP टेक्नीशियन भर्ती 1/2018 वाले कैंडिडेट के लिए एक और खुशखबरी आ चुकी है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि RRB बेंगलोर से टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट का वेरियस कैटेगरी का एडिशनल पैनल लिस्ट जारी किया था और वेटिंग क्लियर किया था फ्रेंड्स, वैसा ही अपडेट एक और आ चुका है RRB अजमेर से। इस बार RRB अजमेर से टेक्नीशियन की वेरियस कैटेगरी वाले कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया है और फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा पैनल लिस्ट जारी किया है। तो जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन में वेटिंग क्लियर होने का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनका वेटिंग क्लियर कर दिया है और RRB अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका पूरा लिस्ट अपडेट कर दिया है। फ्रेंड्स पूरा अपडेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 28/7/2022 रिजल्ट ऑफ एडिशनल पैनल फॉर वेस्ट सेंट्रल रेलवे ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन अंडर CEN नंबर 1/2018। अब देखिए मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि रेलवे बोर्ड ने बोला था कि लगभग 7000 टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर वाले कैंडिडेट के वेटिंग क्लियर किए जाएंगे, तो इस कड़ी में शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले RRB बेंगलोर से पैनल आया था, इसके बाद अब RRB अजमेर से आ चुका है। अब देखिए कौन कौन सी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं जिनका वेटिंग क्लियर किया है। तो सबसे पहले कैटेगरी नंबर 14 देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज वाले कैंडिडेट UR कैटेगरी में 2 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया है। इसके बाद देखिए कैटेगरी नंबर 117 UR कैटेगरी में 3 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया है। SC कैटेगरी में 1 का, ST में 1 का और OBC में 2 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया है। तो इस तरीके से कुल 6 कैंडिडेट का यहां पर वेटिंग क्लियर किया है कैटेगरी नंबर 117 से। इसके बाद कैटेगरी नंबर 136 टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट देख लीजिए, UR कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वेटिंग क्लियर किया है RRB अजमेर से 10 कैंडिडेट का कैटेगरी नंबर 136 से। SC में 1 कैंडिडेट का, ST में 2 कैंडिडेट का और OBC में 1 कैंडिडेट का, यानी 136 कैटेगरी से टोटल 14 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया है। इसके बाद देखिए कैटेगरी नंबर 137, इसमें ट्रैक मशीन वाले कैंडिडेट हैं और सबसे ज़्यादा इसी में वेटिंग क्लियर किया है कैटेगरी नंबर 137 में UR के 25 कैंडिडेट और SC के 4 कैंडिडेट, ST के 3 कैंडिडेट और OBC के 15 कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा पैनल है ये, इसमें लगभग 70 कैंडिडेट के आसपास हैं जिनका वेटिंग क्लियर किया है। और फ्रेंड्स जिन भी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया है, चाहे वेरियस कैटेगरी वाले हो, उन सभी का फिर से रिमेडिकल होने वाला है और उनको भरकर देना होगा अंडरटेकिंग में कि हमारा रिमेडिकल हो रहा है, हमको रिमेडिकल करवाना है। और जो भी कैंडिडेट रिमेडिकल में बाहर होते हैं उनको यानी अनफिट होते हैं उनको बाहर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अच्छी खबरें आ चुकी है, खुशखबरी आ चुकी है JEN वाले कैंडिडेट के लिए भी, क्योंकि उनका भी RRB अजमेर ने एक पैनल जारी किया है, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी तक बस इतना ही, इससे रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। जैसे ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल, मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल, डिवीजन अलॉटमेंट, इससे रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके रेड कलर का बटन दिख रहा है इसको दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।